सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपना अकाउंट का हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और जो ये टॉपिक है वो हमारा अकाउंट के चैप्टर नंबर 9 में है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो उससे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और ये जो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज है ये आज का तो हमारा टॉपिक रहेगा, और इससे पहले भी हम इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां पे प्लेलिस्ट दे रखी है, आप उन टॉपिक्स को भी जरूर देखेंगे, ठीक है। आपका जो कोई भी डाउट होगा वो वहां पे क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज जो है वो क्या होती है, ठीक है। अब देखो, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि हम ये दो या दो से ज्यादा एंट्रीज क्या कर देते हैं, या तो एक साथ में डेबिट कर देते हैं या एक साथ में क्रेडिट कर देते हैं, जो एक तो सेम नेचर की होनी चाहिए, यानी कि सेम नेचर जो है उनका अकाउंट का होना चाहिए, या तो वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, या वो रियल अकाउंट से रिलेटेड हो, या वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो, ठीक है, और एक ही डेट पे होनी चाहिए। तो हम उसको क्या कर देते हैं, या तो एक साथ डेबिट कर देते हैं या एक साथ क्रेडिट कर देते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि समटाइम्स टू और मोर ट्रांजेक्शन, कई बार दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट, यानी कि एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि या तो वो होना चाहिए पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, या वो रियल अकाउंट से रिलेटेड, या वो होना चाहिए हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। पर्टिकुलर हमारा अकाउंट होना चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम डेट पे एंट्री होनी चाहिए। तो उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, अगर हम उसपे एक साथ इकट्ठी एंट्री कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो हम उसमें अलग अलग एंट्री पास करने की बजाय, सेपरेट एंट्री को करने की बजाय, अलग अलग हम क्या कर देते हैं, सारी जो ट्रांजेक्शंस होती हैं हम एक ही एंट्री में कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो 31 मार्च को हमारे दो खर्चे हो गए, ठीक है। 31 मार्च को सेम डेट है, अब देखना है कि वो सेम अकाउंट से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। मान लो 50,000 आर पेड फॉर सैलरी, हमने सैलरी के लिए पे कर दिए, ठीक है। सैलरी क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ ना। अब ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्या है, 20,000 किसके है, ये हमारे है, हमने क्या पे किया है, रेंट, रेंट भी हमारे लिए तो खर्चा है, तो ये सेम अकाउंट से रिलेटेड होगी, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, डेट में लिखेंगे 31 मार्च, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। अब देखो जो भी हमारा खर्चा है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सैलरी भी हमारे लिए खर्चा है और रेंट भी हमारे लिए खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। अब हमने किसमें पे किया है, अब हमारे बिजनेस से तो क्या जा रही है, कैश जा रही है, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब नीचे रेशो लिख देंगे एक्सपेंसेस पेड, जो हमारी सैलरी है वो कितने की है, सैलरी कितनी पे करी है हमने, 50,000, इसको डेबिट के अमाउंट में लिखेंगे। एक है हमारे पास रेंट अकाउंट डेबिट, उसमें भी हम कितने लिख देंगे, 20,000, और दोनों का टोटल करके वो हम क्या लिख देंगे, हमारा कैश अकाउंट में। तो 50 और 20 कितने हो गए हमारे पास, 70,000। तो ये है हमने इकट्ठी एंट्री कर दी। इसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में हमारे पास क्या होता है, इसमें या तो हम दो अकाउंट को हम क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें किया, दो अकाउंट को डेबिट किया, एक अकाउंट को क्रेडिट किया। या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है कि एक अकाउंट को हमने डेबिट में कर दिया, मान लो इनकम आ गई कहीं से, ठीक है, मान लो एक हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, एक हमें डिस्काउंट भी रिसीव हो रही है कहीं से, ठीक है। तो हमारे पास इनकम आ गई ना, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, दो अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और एक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। या फिर हम दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को डेबिट, दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को हम क्रेडिट भी कर सकते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर में, जो है ओपनिंग जर्नल एंट्री, ठीक है। ओपनिंग में क्या होता है कि जितनी भी सारी असेट्स होती हैं हम सारी असेट्स को डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और जितनी भी हमारी सारी लाइबिलिटीज होती है उन सभी को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, और इसका एक एग्जांपल भी आज हमने सीख लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री।
तो आप वो वाला वीडियो सेशन भी आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।